नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। इस चैनल पर कोशिश ये किया गया है कि किसी अभ्यास या आपके बुक में जितने उदाहरण हैं किसी को भी छोड़ा ना जाए, ठीक है। तो ये आज हम लोगों का चौथा दिन है, चौथा वीडियो भी है, और इसमें जो है हम अभ्यास दो को कवर करने वाले हैं। तो आइए अभ्यास दो में देख लेते हैं क्या है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, संकेत लिपि में अनुवाद करें, ठीक है। ये हिंदी लिखा हुआ है, इसको जो है क्या करना है, हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है, मतलब संकेत लिपि में हमें इसको लिखना है, पहचानना है कि किस अक्षर की संकेत किस तरह की बनेगी। और इसमें देखिए एक चीज और लिखा हुआ है, जिस अक्षर के दो संकेत हैं उस अक्षर के दोनों संकेतों को लिखें। जैसे अब जैसे क हम लिखते हैं ना, तो क का एक ही संकेत है, 180 अंश के कोण पे एक रेखा खींचते हैं तो हमारा क बन जाता है, उसका एक ही संकेत है। लेकिन अगर वहीं पे हम त को लिखेंगे तो त के दो संकेत हैं, उसमें एक बायां समूह है और एक दायां समूह है, मतलब उसके दो संकेत हैं। ता जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, तो ये बोल रहा है कि अगर हमें बीच में ता आता है तो ता के लिए दोनों संकेतों को लिखना है। उसी तरह हमारा स है, स में भी जो है दो संकेत हैं, रा है, रा में भी दो संकेत हैं। तो इस तरह से बहुत से लेटर हैं जिसके दो संकेत हैं, तो उसी को ये बोल रहा है कि जिस अक्षर के दो संकेत हैं उस अक्षर के दोनों संकेतों को लिखिए। अब मान लीजिए जिस लेटर के एक संकेत है, जिस अक्षर के एक संकेत है, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको एक ही लिखना है। लेकिन हाँ, जिसके दो संकेत हैं उन दोनों संकेतों को लिखना है। जैसे ह है तो एक नीचे जाने, नीचे से ऊपर जाने वाला ह है, फिर एक ऊपर से नीचे आने वाला ह है, तो हम उसमें क्या करेंगे, दोनों संकेतों को लिखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सीरियल नंबर वन में हमारा फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है प, तो प के लिए हमें पता है 120 अंश के कोण पे ऊपर से नीचे एक रेखा आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प, और ये पतली रहती है, इसकी लाइन पतली होती है। क 180 अंश के कोण पे इस तरह से रेखा होती है, लेफ्ट टू राइट, मतलब आड़ी रेखा होती है, तो इसको हम बोलते हैं क। फिर अब हमारा आ गया स, ऊपर लिखा है जिस अक्षर के दो संकेत है उस अक्षर के दोनों संकेतों को लिखे। अब स के दो संकेत हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों संकेतों को लिखेंगे। जैसे ठीक है, ये सही से नहीं बना है, फिर से बना दे रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों संकेत स का हमने लिख दिया, ये ऊपर से आने वाली रेखाएं हैं। फिर ना है तो ना की भी, ना के भी दो संकेत हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये जो है क्या है, आड़ी रेखाएं हैं, लेफ्ट टू राइट चल रही है ना, आड़ी रेखाएं हैं प्लस वक्र रेखाएं हैं, घुमावदार भी है ना, लेफ्ट टू राइट चल रही है, इसका मतलब आड़ी रेखा है और वक्र रेखा है, घुमावदार है, इसका मतलब ये वक्र रेखा भी है, आड़ी प्लस वक्र रेखा है। उसके बाद हम आते हैं माँ पे, माँ ना का अपोजिट होता है, माँ में भी दो रेखाएं हैं, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद हम र के लिए आ जाते हैं, र की भी दो रेखाएं हैं, एक जो है 30 अंश के कोण पे नीचे से ऊपर जाती है और एक जो है ये ऊपर से नीचे आती है, तो ये हमारा र हो जाता है। उसके बाद छोटे वाले स के लिए आते हैं, तो इसकी दो रेखाएं हैं, पता ही आपको, अभी आपने बनाया है, तो इन दोनों रेखाओं को बनाना है। हा है तो हा की भी दो रेखाएं हैं, एक नीचे से ऊपर जाती है और एक ऊपर से नीचे आती है, तो ये नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है और ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो इस तरह से हम हा को बना लेंगे। अब ये सीरियल नंबर वन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दो पे, दो पे देख लेते हैं कि कौन कौन से लेटर हैं जिनको संकेत लिपि में लिखना है। तो इसमें हमारा है ला, तो ला को जो है हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो पूरे वर्णमाला में ला ही एक ऐसा व्यंजन है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों साइड में चलता है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ला अगर कहीं सिंगल है, अब जैसे यहाँ ला सिंगल है ना, उसके बाद कोई लेटर नहीं है,
तो ल को हमेशा नीचे से ऊपर ही बनाते हैं, शब्द के साथ ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन सिंगल है तो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। फिर हम आते हैं यहाँ ख पे, तो ख कौन सी रेखा है? अच्छा ये वक्र रेखा है हमारी, घुमावदार है ना, ख कौन सी रेखा है? आड़ी रेखा है, कटी हुई रहेगी। ट ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है 90 अंश के कोण पे। द, अब द की दो रेखाएं होती हैं, ठीक है, इसके दो संकेत हैं, एक बायां समूह और एक दायां समूह, लेकिन ये क्या होगा, मोटा रहेगा, गाढ़ा रहेगा, तो यहाँ आप पेंसिल प्रेस कर दीजिएगा, दो बार इसको रिपीट नहीं किया जाता, हम तो ये रिपीट कर दे रहे हैं, मार्कर से मुझे लिखना है। आप जब भी द लिखेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे पेंसिल को जो है थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये रेखा गाढ़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद बड़ा वाला सा है, तो हमें पता है छोटे वाले सा की तरह ही बनता है, ये दो रेखाएं होती हैं, बस ये अंतर ये होता है बीच में कटा रहता है। उसके बाद ग है, तो ग क्या होता है, ये गाढ़ा होता है, ठीक है। म, ये भी आड़ी रेखा है, ये आड़ी प्लस वक्र रेखा है, इसको मैं बता चुका हूँ, ना इसी का अपोजिट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम ख पे, ये आड़ी रेखा है प्लस सरल रेखा है, इसको सरल रेखा भी बोलते हैं, आड़ी प्लस सरल रेखा है, और ये हाँ कि दो रेखाएं हैं, एक नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे आती है। रा की भी आपकी दो रेखाएं हैं, एक 30 अंश के कोण पे और ये इस तरह से नीचे आई, ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। फिर ना, तो ना तो हम लोग कई बार बना चुके ना। फिर माँ, माँ इसी का, इसको भी हमने कई बार बना दिया। फिर का, इसको भी हमने कई बार बनाया अभी। ता, इसकी दो रेखाएं हैं, ऊपर से नीचे आने वाली हैं ये, और ये कौन सी रेखा है, ऊपर से नीचे आने वाली प्लस वक्र रेखा है, घुमावदार है ना, इसलिए। फिर हा, ये जो है इसकी दो रेखाएं, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीरियल नंबर 4 पे, इसमें देखिए, अब या के या में क्या है, या की एक ही रेखा है, ठीक है, तो हम एक ही रेखा बनाएंगे, दूसरा रेखा तो ला नहीं सकते हैं। रा, रा की दो रेखाएं हैं, या जो है हमारे हमारी जो है सरल रेखा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, और रा में ये हमारी सरल रेखा है और ये वक्र रेखा है, नीचे से ऊपर जो रेखा जा रही है 30 अंश के कोण पे, ये सरल रेखा हो जाती है, और ऊपर से नीचे जो ये रेखा आ रही है ये हमारी वक्र रेखा हो जाती है। फिर उसके बाद माँ पे आते हैं, तो माँ तो हम लोग कई बार बना चुके हैं, ठीक है, ला को भी हमने बनाया है, सा को भी हमने बनाया है, ता को भी अभी मैं ऊपर बताया हूँ आपको, वा आपको पता ही है, अब वा या का ठीक अपोजिट होता है, तो ये जो है वा क्या है, वा जो है हमारी सरल रेखा है जो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। धा, धा की दो रेखाएं होती हैं, एक दायां और एक बायां, लेकिन ये क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, ये जो है इसकी रेखाएं गाढ़ी होती हैं और बीच में कटी हुई रहती है, तो ये हमारा धा हो जाता है, ये दोनों वक्र रेखाएं हैं प्लस ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं। उसके बाद हम पांचवें सीरियल नंबर पे आते हैं, तो इसमें देखिए फर्स्ट लेटर हमारा दिया हुआ है ग, तो ग आपको पता है ये मोटा रहता है, मतलब इसकी रेखाएं क्या होती हैं, गाढ़ी होती हैं। अड़ा, अड़ा की दो रेखाएं होती हैं, एक नीचे से ऊपर 30 अंश के कोण पे, एक ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, बस ये कटा रहता है, सेम र की तरह ही होता है लेकिन ये कटा हुआ रहेगा, तो ये हमारी सरल रेखा हो जाती है और ये वक्र रेखा हो जाती है। मैं रेखाओं को बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सी सरल रेखा है और कौन सी वक्र रेखा है, क्योंकि इसका बहुत यूज आने वाला है आगे, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, वक्र रेखा, सरल रेखा, आड़ी रेखा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने वाली रेखाओं को पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पहचानेंगे तभी शब्दों को लिख पाएंगे, ठीक है।
तो उस समय जब हम शब्द बनवाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट आप बना लेंगे। फिर चा, चा देखिए इसकी एक रेखा होती है जो ऊपर से नीचे आती है और पतली होती है। घ, तो घ हमारी रेखा क्या होती है, 180 अंश के कोण पे होती है, सरल रेखा है, गाढ़ी होती है। ज, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है लेकिन क्या होती है, ये मोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ आप पेंसिल को प्रेस कर दीजिएगा, झ ये गाढ़ी होती है प्लस क्या होती है, कटी हुई रहती है, ये भी सरल रेखा है। ठ ये पतली होती है प्लस कटी हुई रहती है, 90 अंश के कोण पे ऊपर से नीचे आती है। और छ ऊपर से नीचे प्लस कटी हुई रहती है, ये भी रेखा हमारी पतली होती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ माँ पे, तो माँ हम लोगों ने ऊपर भी बनाया है। भा, तो ये रेखा क्या होती है, गाढ़ी होती है प्लस कटी हुई रहती है। प फ ब भ लास्ट वाला है ना, पवर का प समूह का लास्ट लेटर है ये। फिर या भी हम लोगों ने ऊपर बनाया, ये सरल रेखा है प्लस ऊपर जाने वाली रेखा है। र, तो हम लोग कई बार बना चुके हैं ना। उसके बाद सीरियल नंबर 6 में आते हैं, तो चलिए सीरियल नंबर 6 को बनाने से पहले हम एक बात आप लोगों को याद दिला दें, सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, उसको आप प्रेस कर दें, उसके जस्ट बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और आपको अगर सीरियल वाइज हमारे वीडियोस को देखना है, जैसे आपको वर्णमाला से स्टार्ट करना है, 49 लेसन तक देखना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैनल का हर चैनल का एक प्लेलिस्ट होता है, उस प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो उसमें जो है प्लेलिस्ट का, दो प्लेलिस्ट हैं हमारे पास, पहले प्लेलिस्ट में वर्णमाला से लेकर के अभ्यास 49 तक के सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है भाग एक हिंदी ऋषि प्रणाली अभ्यास 1 से लेकर के 49 तक, ठीक है। और जो 1 से लेकर के 49 तक जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं तो उनको आगे पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है, तो उसमें दूसरा भी प्लेलिस्ट हमारे पास है, उसमें लिखा हुआ है भाग 1 ऋषि प्रणाली, हिंदी ऋषि प्रणाली अभ्यास 50 से लेकर के 87 तक। तो आपको जो है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ चुके हैं 1 से 49 तक, उनको 50 से लेकर के 87 तक के वीडियोज मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सीरियल नंबर 6 को कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो है सीरियल नंबर 6 का फर्स्ट जो लेटर हमारा ये है डा, तो डा आपको पता है ऊपर से नीचे 90 अंश के कोण पे बनता है। टा ठा डा, तो ये क्या है, मोटा रहेगा। था, इसकी दो रेखाएं हैं, दोनों ऊपर से नीचे आती हैं। धा, धा भी हम लोगों ने ऊपर बनाया है, ये गाढ़ी रहेगी प्लस क्या रहेगी, कटी हुई रहेगी, ठीक है। फा, इस तरह से बनाएंगे 120 अंश के कोण पे और ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। भा, ऊपर से नीचे प्लस ये कटी हुई रहेगी। प समूह का लास्ट लेटर है ये। ब, ऊपर से नीचे लेकिन ये रेखा कैसी रहेगी, गाढ़ी रहेगी, मतलब ये मोटी रहेगी, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। यहाँ पे पेंसिल आप प्रेस कर दीजिएगा। स, मैं ऊपर भी बताया हूँ। ढ, ढ देखिए हमारा सेम हा की तरह होता है, बस अंतर ये होता है ये कटा हुआ रहता है। इसकी भी दो रेखाएँ होती हैं, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, ठीक है, तो ये कटा हुआ रहेगा। तो इस तरह से जो है अभ्यास 2 हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब जो है अगले वीडियोज में जो है हम अभ्यास 3 को कवर करेंगे।